तो दोस्तों आज हम आए हैं देश के युवा के पास। तो बाबू कहाँ दिक्कतें हैं तुम्हारी? अरे रोड टूटी पड़ी है। थोड़ा विस्तार में बताइए। इस ससुरा बारिश आते ही रोड गायब हो जाती है। कल हम कंप्लेन कराने दफ्तर गए तो PWD दफ्तर में अफसर नहीं था, और कल हमारी अम्मा यहीं गड्ढे में गिर गई। अम्मा को लेके अस्पताल गए तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। अब बताओ अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो आम आदमी जाएगा पे? तो बाबू CP ग्राम पे कंप्लेन करो ना। कहाँ होगा उससे? अरे तुम्हारी कंप्लेन डायरेक्ट मोदी जी तक जावत है। कैसे? CP ग्राम यानी सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इस पोर्टल पर आप इन 5 चीजों को छोड़कर किसी की भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, फिर चाहे वो सड़क हो, अस्पताल हो या मोबाइल नेटवर्क। इस पोर्टल पर मैंने मल्टीपल टाइम कंप्लेंट्स दर्ज करी है एंड इट एक्चुअली वर्क्स। इसका कारण है यहाँ पर प्रॉपर टाइमलाइंस है ट्रैकिंग और कंप्लेंट क्लोजर्स की। तो चलिए सीखते हैं CP ग्राम पर कंप्लेंट कैसे दर्ज कराते हैं इन एपिसोड नंबर 2 ऑफ ट्यूटोरियल ट्यूसडेज। तो देखिए सबसे पहले आपको जाना है इस पोर्टल पे। आपका एक रजिस्टर्ड यूजर होना अनिवार्य है किसी भी कंप्लेन को लॉन्च करने के लिए। और अगर आप एक रजिस्टर्ड यूजर नहीं हैं, तो यहाँ पर जाकर आप इजीली रजिस्टर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं यूजर लॉगिन सेक्शन में गया और मुझे यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। अब सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। अब मेन्यू में आपको सेलेक्ट करना है ग्रीवेंस ऑप्शन को एंड लॉज पब्लिक ग्रीवेंस। तो यहाँ पे आपको अपना डिक्लेरेशन देना है कि आपका जो इशू है वो इनमें से किसी भी इशू से रिलेटेड नहीं है। डिक्लेरेशन देने के बाद आपको स्क्रीन पे रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ पे आपको वो मिनिस्ट्री सेलेक्ट करनी है जिसके अगेंस्ट आप अपनी कंप्लेन लॉन्च कराना चाहते हो। अगर यहाँ पे आपको सही मिनिस्ट्री दिख रही है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप नीचे मोर ऑप्शन पे जाके भी सही मिनिस्ट्री को सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ फाइनेंशियल सर्विसेज। अब यहाँ पे मुझे एक मेन कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मिनिस्ट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने प्रॉब्लम से जुड़ी बेसिक डिटेल्स यहाँ भरनी है एंड आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देना है अपने ग्रीवेंस के बारे में। डिटेल्स भरने के बाद आप यहाँ पे अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या एविडेंस नहीं है तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करें। सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको इस पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ पे आपको अपनी सारी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे रेफरेंस डेट भी डाली है यानी जिस डेट को आप अपना इशू एड्रेस कर रहे हो। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना सिक्योरिटी कोड डालना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है कि आई हियर बाय स्टेट दैट द फैक्ट्स मेंशन्ड अबव आर ट्रू एंड बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, यानी आपको कोई भी फेक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं करना है। और यहाँ पे सबमिट दबाने के बाद आपकी कंप्लेन लॉज हो चुकी है। लेकिन जो आपको चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को जरूर याद रखिएगा क्योंकि आगे जाके बहुत काम आएगा। तो जनता शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जिनके जिंदगी में कोई ना कोई दिक्कत है। और अगला ट्यूटोरियल हम किस पर बनाए? कंज्यूमर कंप्लेन के ई दाखिल पोर्टल पर या RBI के ओम्बुड्समान पोर्टल पर? जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगला वीडियो आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।